चलिए अपन ताली ओपन करते हैं। एस्केप की से बैग आते हैं, ठीक है। अल्टर F1 से क्या करेंगे, कंपनी क्लोज करेंगे और क्रिएट कंपनी के द्वारा अपन आज की डेट की कंपनी बना लेते हैं। आज कितनी है, 6। इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। आप ही सारी इंफॉर्मेशन फिल कर लिया करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए। एक काम कीजिए, हमको दे दीजिए, हम देख के जाएंगे, उसकी वो कर देना कि बंद ना हो। ठीक है, बोलिए क्या था आपका। 10 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, तो ALC से आप क्या करेंगे, कैपिटल का लेजर बनाएंगे। नगद किया है या लोन लिया है, नगद। कैपिटल अकाउंट अंडर में कहाँ जाएगा, कैपिटल। इसके बाद अपन वाउचर एंट्री करने के लिए बैक आएंगे और भी प्रेस करेंगे। तो कैपिटल की एंट्री किस वाउचर में होती है, रिसीव। F6 2 में क्या आएगा, कैपिटल कितना रुपए, 2 में कैश आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, कैपिटल ठीक है, नगद माल खरीदा है आपने, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, परचेज। और यहाँ से ऐसा हो जाए, तो 2 में क्या आएगा आपका, कैश कितने रुपए, अभी पता नहीं है क्योंकि डिस्काउंट अपन ने कैलकुलेशन नहीं किया, तो बन लिख देंगे। बाय में क्या आएगा, परचेज। तो अल्टर सी से आप परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज अकाउंट अंडर में कहाँ जाएगा, परचेज, ठीक है। कितने रुपए, 45,000 का पहले आप व्यापारिक बट्टा निकालेंगे। व्यापारिक बट्टा मतलब ट्रेड डिस्काउंट। 45,000 इंटू कितना है, कितना आ रहा है, 900। तो आप 45,000 में से कितना माइनस करेंगे, 900, 44 और 100, ये आ रहा है एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही 2 ले लेगा आपका यहाँ पे। एक बार और एंटर करेंगे तो अल्टर सी से आप डिस्काउंट का लेदर बना लेंगे। ये अंडर में कहाँ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट इनकम। अब आपका जो यहाँ पे अमाउंट था, इस पे आप क्या निकालेंगे, नगद बट्टा मतलब कैश डिस्काउंट। कितना है कैश डिस्काउंट, 3, 1,323 आ रहा है। -1,323 यही था, हमें अलग सा लग रहा है। 42,357, तो यहाँ पे आपका अलग अलग डिस्काउंट, ठीक है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, राकेश से माल खरीदा है तो उधार वाली एंट्री हो, तो आपका 2 में क्या आएगा, राकेश का नाम। अल्टर सी से आप राकेश का लेजर बनाएंगे। ये कहाँ जाएगा आपका, सैलरी क्रेडिटर्स, इसे आप सेव कर देंगे। कितना, 35,000, 30,000। 30,000 पे आपका ट्रेड डिस्काउंट है 4%। 30,000 इंटू 4/100, 1,200 आ रहा है। अब 30,000 में से आप कितना माइनस करेंगे, 1,200, 28,800 आ जाएगा। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, श्याम को नगद माल बेचा है आपने, कितने का, 12,000 का।
तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, टू में क्या आएगा आपका कैश। क्यों? पर पर्सन का नाम भी तो है ना, यहाँ पर अपन कैश का ले रहे हैं क्योंकि नगद में चाहे। कितने रुपए का डिस्काउंट वगैरह है? कुछ नहीं है। 12,000 बाय में परचेज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे क्या है? 1 मिनट 1 मिनट, ये एंट्री क्या थी आपकी इससे पहले वाली 12,000 वाली? बेचा है ना, अपन ने खरीदने वाली कर ली है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे? सेल्स वाउचर। आप ध्यान में नहीं देते, सिर्फ बोलते जा रहे हैं, बताइए। तो ये एंट्री हो जाएगी, बस टू में क्या आ जाएगा? अल्टर सी से सेल्स। कहाँ और मैं वो पर्ची डाल दूंगी चेंज तो कर दिया अपन ने, यही तो कर रहा है। देखिए दोबारा एक्सेप्ट कर देंगे ये, देखिए। ठीक है, पेज अप करके भी आप कर सकते हैं एंट्री। और ये भी यस कर दी हाँ, तो अब आप क्या करते? चेक करते तो गलत आता, अमाउंट देखते। DAL, फिर यहाँ पे डाल प्रेस किया आपने, परचेज में जाते तो 12,000 का अमाउंट देख लेते आप यहाँ पे, उस एंट्री जाके एंटर करते तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से, हमने जैसे चेंज किया था वैसे कर सकते हैं। अगर डिलीट करनी है तो अल्टर डी कर देते फिर आप। ठीक है, पर अपन नहीं कर रहे क्योंकि अपन ने सही कर लिया उसको। बाउचर एंट्री भी प्रेस कर, तो 12,000 वाली एंट्री हो गई आपकी बैच में। नेक्स्ट क्या है? माल बेचा है आपने तो बाय में क्या आएगा? कैश। कितने का? 50,000 का। और कैश डिस्काउंट कितना है? तो कितना आएगा? 2,500। ये आएगा, निकाल के भी बता देते हैं। 50,000 का माल बेचा है, कैश डिस्काउंट आपका 5% आया 2,500। अब आप क्या करेंगे? 50,000 में से कितना माइनस करेंगे? 25, 47,500। इसमें कितना लिखेंगे आप? और टू सेल्स में कितना अमाउंट आएगा आपका? 50,000। कैश डिस्काउंट बाय में डिस्काउंट, अल्टर सी से आप डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये अंडर में कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एंट्री हो जाएगी आप। ठीक है, नेक्स्ट। माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला 20,000 का, तो एंट्री क्या होगी? बाय चेक इन हैंड टू सेल्स। तो अल्टर किसे आप चेक इन हैंड क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे। अंडर में कहाँ जाएगा ये? कैश इन हैंड। इसी में जाएगा। कितने रुपए? टू में सेल्स। नेक्स्ट, अब ये बताइए, आपने एक साथ सभी एंट्रियां की थी या अलग अलग की थी? एक साथ ही कर दें हम भी। ठीक है, तो दिया है तो किस वाउचर में एंट्री होगी? पेमेंट वाउचर में। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो बाय में क्या आएगा आपका? एक्सपेंसेस का नाम। ठीक है, तो अल्टर सी से अपन पहले सैलरी का ले लेते हैं। ये अंडर में कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए? फिर नेक्स्ट, अल्टर सी से आप उसका भी लेजर बना लेंगे। ये क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना? और भी है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? कैश। ये आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट।
जहाँ तक याद है आवत ही बोला था। कैरी इनवर्टी लिखा है आपने भी। कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है आपका आवत गाड़ी भाड़ा। सुनाइए सुनाइए। एक काम करते हैं, अभी इस टाइप से कर लेते हैं इनवर्ट में, ठीक है? तो आप ये लोग बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, फिर उसी एंट्री को अपन आउटवर्ड में कर देंगे, तो आप कर लेना, ठीक है? तो अपन इसमें भी कर सकते हैं, बाय में आपका कैरी इज इनवर्ड आ जाएगा और टू में कैश आ जाएगा, लेकिन आपने अलग की थी ना, तो हम अलग ही कर देते हैं। तो बाय में अल्टर से क्या करेंगे, कैरी इज का लेदर बनाएंगे, कैरी इज इनवर्ड, ठीक है? अब ये कैरी इज इनवर्ड है तो क्या रहेगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट, कितने रुपए? और भी कुछ है नहीं है? फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो फिर यहाँ पे बाय प्रेस करेंगे आप बी के लिए, और अल्टर से आप फैक्ट्री का लेजर बना लेंगे। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप फुल में लिख लेना, ठीक है? ये भी कहाँ से आएगा आपका, डायरेक्ट ही रहेगा। कितने रुपए और भी है? अब नेक्स्ट पर ही करती है, ठीक है? इसके बाद आपने रुपए जमा किए हैं बैंक में, तो किस वाउचर में एंट्री होगी? तो इसमें टू में क्या आएगा, कैश। क्यों? हाँ, कितने रुपए? बाय में बैंक। अब बैंक का तो लेजर ही नहीं बना, तो अल्टर अंडर में कहाँ जाएगा ये? ठीक है, जाएंगे नेक्स्ट। तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक। 8,000 निकालिए तो 8,000 अमाउंट, बाय में कैश। और भी कुछ है? ये नहीं, ऐसे नहीं बोलते क्वेश्चन। ड्रॉइंग मतलब आहरण वाली एंट्री है, तो ए एन सी से आप ड्रॉइंग का लेजर बनाएंगे, डी आर ए। ये कहां जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या निकाला है, कैश है या फिर कुछ संपत्ति वो है माल? कैश है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर। अगर आप कोई संपत्ति वो निकालते हैं, माल हुआ या संपत्ति हुई, तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर। बाय में आता है आपका ड्रॉइंग अकाउंट, कितने रुपए का? टू में कैश, कैश निकाला। और भी कुछ है? सेव कर देते, ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? चलिए अब अपन बैलेंस शीट चेक करते हैं। तीनों की सही है, नहीं इन भैया की चेक नहीं की, मैं आप दोनों की थी। ठीक है, क्या हुआ, कुछ पूछना है? अब आप लोग कुछ पूछ लीजिए।
ठीक है, तो आपको लॉस हो रहा है, हमेशा लॉस की एंट्रियां क्यों आती हैं, जबकि हम सेंस का मेरा कितना ज्यादा देते हैं और प्रॉफिट उस पर डिस्काउंट भी बहुत ज्यादा देते हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इतना आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट को, आहरण वगैरह ड्रॉ इन अकाउंट, बैंक में रुपए जमा करना निकालना आ जाएगा, और ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपको जितने भी होते हैं, हम आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस के नाम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आपको दो तीन ही पता है, कैरिज इनवर्ड आउटवर्ड बेजी सैलरी यही है, कमीशन बोनस और भी फिर हम बताएंगे आपको। अब ये तो थे आपके एक्सपेंसेस, इसी टाइप की आपकी इनकम होती है, इनकम भी दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वह होती है जिनके करने से आपके माल के निर्माण कार्य पे प्रभाव पड़ता है, वो डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होती है, जिनके करने या ना करने से माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, सेम वैसे ही रहती है। अब यहाँ पे देखिए नाम तो वही रहेंगे आपको, एक्सपेंसेस के रेंट सैलरी वेजेस, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो आपके एक्सपेंसेस होते तो ये आपकी इनकम हो जाएंगे, ठीक है, आ रहा है ना समझ। तो अपन यहाँ पे जैसे कि अभी आपने रेंट दिया था, अभी तक आपने देने वाली एंट्री की थी, अब आपको रेंट मिल रहा है, तो ए एस सी से आप रेंट का लेजर बनाएंगे, रेंट अकाउंट अंडर में ही कहां जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनकम हो जाएगी आप अगर आपको मिलेगा तो, ठीक है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इसको कर ले तभी वो उस टाइप से लेगा, वो दोनों सेम है, ठीक है। अब इसी टाइप अपन इसको कर देते हैं, एक्स्ट्रा करके सेव कर देते हैं। अब आपको सैलरी मिल रही है तो आप सैलरी का भी बना लेंगे, या कमीशन, इससे कमीशन मिल रहा है आपको, कमीशन अकाउंट मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम ये रहेगा आपका, इसको एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, बिजनेस टैली रहती है इसमें आपका, तो इसमें आपके इनकम तो डायरेक्ट बहुत कम आती है, क्योंकि आप खुद ही का बिजनेस आप खुद ही बना रहे हैं, तो आपको किसके द्वारा मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, अब आपको मिल रहे हैं तो क्या होगी आपकी एंट्री, रिसीव वाउचर में, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे टू किसे करेंगे, बाय किसे करेंगे, नियम लिखवाया था हमने, इनकम को टू करते हैं और एक्सपेंसेस को बाय करते, अभी तक अपन ने एक्सपेंसेस की एंट्री की, तो एक्सपेंसेस को क्या किया था अपन ने, बाय। अब अपनी इनकम हो रही है, रेंट मिल रहा है अपन, तो टू में क्या आएगा, रेंट एंड। कितने रुपए का आपको रेंट मिला वो अमाउंट डाल दें, एंड बाय में क्या आएगा, कैश। अगर सामने वाले पर्सन को आपको नगद रुपए दिए हैं तो कैसे आ जाएगा, फोन पे किए हैं, गूगल पे किए हैं, नेट बैंकिंग का यूज किया तो क्या आ जाएगा, बैंक, ठीक है। अपन यहाँ पे कैश ले लेते हैं, नरेशन क्या आ जाएगी, वी रिसीव रेंट, आपको रेंट मिला है, इन कैश लिख देना, कैश मिला है आपको, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। फिर आपकी एक और एंट्री थी कमीशन, तो टू में क्या आएगा आपका, कमीशन, कितने रुपए कमीशन मिला, जैसे 1000, बाय में कैश नगद मिला है, तो इस टाइप से आपकी क्या, ये तो आपका इनडायरेक्ट इनकम, रेंट था। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, और कुछ पूछना है, इनकम आ जाएगी आपको,
इसके टाइप से और भी इनकम होती है बहुत सारी, और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, पर एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, पर खर्च बहुत कर देते हैं। एंट्री पूछे, चलिए बताइए, पूजा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम है ना ठीक है। आपने क्या बोला, किराया दिया है तो एंट्री क्या होगी? वाह, ये तो मिल गया आपको। हाँ ठीक है, किराया दिया तो एंट्री क्या होगी? बाय रेंट टू कैश। नेक्स्ट बताइए सौरभ भैया। किराया को नगद माल बेचा, एंट्री क्या होगी? अच्छा, जीवन बैठा है ना, तो सेल्स कहाँ गया, तो किस में आएगा सेल्स? ठीक कोई है, बाय क्या क्यों है आएगा, नगद माल बेचा है ना आपने ना। तो। हाँ, तो एंट्री क्या हो गई? बाय कैश टू सेल्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप बताना, दोनों में से कोई भी जिसको आ जाए। चेक को बैंक में जमा किया है तो एंट्री क्या हो गई? हाँ, अमाउंट तो 10,000 कुछ भी मान लीजिए, वो भी बता दीजिए जिसको आ रहा है। नहीं, बाय में आएगा चेक इन हैंड, क्योंकि चेक जमा, सॉरी, टू में आएगा चेक इन हैंड, बाय में आएगा बैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नियम कौन सा लगता है? हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट बताना। कौन से पूछे हम आपसे, अच्छे कठिन से पूछते हैं। अच्छा चलिए, ये बताइए आप, आपने 10,000 रुपये का माल बेचा है, ठीक है, उस पे कैश डिस्काउंट था तो एंट्री क्या होगी? कैश डिस्काउंट मान लीजिए 10%। बाय बेचा है हाँ, ठीक है, सही है। अब हम फिर से सौरभ भैया से पूछते हैं। चलिए सौरभ भैया, नेक्स्ट एंट्री बताइए, कमीशन मिला है तो एंट्री क्या होगी? जस्ट अभी की है हमने। देख कर बता दिया आपने, देखिए आपको एंट्रियां ऐसी रखनी चाहिए कि जैसे ही हम क्वेश्चन एंड करें वैसे ही आप आंसर दे दो, पर ऐसा तो हो ही नहीं रहा इस क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, पर इतना रहने देते हैं इनकम तक, क्योंकि स्वर्ण कम है। हाँ, कल से हॉलीडे है फिर। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, और हमने पहले भी बोला है आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीचे आप एक दूसरे से बैलेंस शीट तो चेक करते हैं, तो आपके क्वेश्चन में दो भी मिस्टेक होती है, या बैलेंस शीट चेक करें ना करें, एक-एक क्वेश्चन चेक करवाया करें हमसे नीचे। आप क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं, मान चलिए आप तीनों ने एंट्री कर ली और तीनों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस भी सेम आ गया, सेम एंट्री, क्या पता आप तीनों ने ही गलती की हो? क्या है, इससे पहले के बैच के स्टूडेंट बढ़िया थे, वो एक एक एंट्री चेक करवाते, लेकिन आप लोग करवाते ही नहीं है। कितनी बार बोला है हमने, आप लोग सोचते मैडम परेशान होंगे तो कीजिए ना परेशान, करते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है यार, क्यों नहीं पूछते, सब कुछ आ जाता है। हाँ,
इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन देते हैं उनको आप सॉल्व किया करें, सॉल्व करने के बाद नीचे पूछा करें कि मैडम हमारी एंट्रियां चेक कर लीजिए। अभी आप 2-3 दिन से पूछ रहे हैं, हमने मना किया क्या कि हम नहीं करेंगे चेक, और देखिए आपकी तब से बैलेंस शीट सही भी आ रही कि नहीं आ रही, ये होता है। ठीक है, गोडाउन में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या करना पड़ेगा, माल खरीदने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, वाउचर एंट्री लिए भी प्रेस करेंगे और यहाँ से परचेज नगद ही ले लेते हैं। यहाँ से कैश हो जाएगा पार्टी नेम में, बाय परचेज नेम ऑफ आइटम में आइटम का नाम लिखेंगे, तो अल्टर सी से क्या करेंगे आप, उसका स्टॉक क्रिएट करेंगे, ये ले लेते हैं। अभी अंडर में कहाँ जाएगा, अल्टर सी से इसका ग्रुप बना लेंगे। एंटर एंटर का सेव कर देंगे। अभी प्राइम यूनिट में एंटर से पी दे देते हैं हम सिंबल शॉर्ट में, आप फुल नाम भी लिख देंगे। अब क्वान्टिटी ऑफ मंथ के लिए 10, रेट एक का 12,000, इसको आप अरे 1200 लिख गया, हम एक ही रहने देते हैं। ठीक है, एक ही ट्रांसफर करके बता देते हैं, इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब आपको गोडाउन में ट्रांसफर करना है, जब आप गोडाउन एक्टिवेट नहीं करते हैं और डायरेक्ट माल परचेज कर लेते हैं तो वो हमेशा मेन लोकेशन ले लेता है आपका, जो भी आप माल परचेज करते हैं खरीदते हैं। ठीक है, अब मेन लोकेशन से आपको आपके गोडाउन में रखना है, तो पहले आपको गोडाउन एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो अपन F11 प्रेस करते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स लगा एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको मेन 10 वाला गोडाउन का ऑप्शन मिलता है, इसको यस करके एंटर करके इसे सेव कर दें। अब एस्केप की के द्वारा आप बैग जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन आ रहा है, इस पे आके एंटर करना है और यहाँ पे गोडाउन एंड क्रिएट। पहले गोडाउन के नाम बनाने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे कि किस गोडाउन में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, गोडाउन का नाम देते हैं बंद, गोडाउन बंद दे दिए एंटर के सेव कर। अब ट्रांसफर करना है आपको तो क्या प्रेस करेंगे, टी टी मींस इन्वेंट्री वाउचर, क्लोज हो जाएगी कोई बात है, पहले से क्लोज करते हैं दोबारा ओपन कर देंगे। अल्टर एप्पन से क्लोज किया, सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो आज की डेट की अपनी कंपनी है, 6 तारीख है ना। अब अपन ट्रांसफर करने के लिए टी प्रेस करें, इस टाइप से आपके सामने शो हो जाती है एंट्री करने के लिए। यहाँ पे जनरल स्टॉक की एंट्री रहती है, आप सोर्स में आप यहाँ पे मैन नेम ऑफ आइटम डालेंगे एंटर, देखिए 10 पीसेस बता रहा है आपके पास एंटर। गो डाउन में आप वो लोकेशन लेंगे जिस लोकेशन पे प्रेजेंट में आपका माल रखा गया है, तो कहाँ पे रखा है, मैन लोकेशन में बता रहा है 10 पीसेस, गो डाउन वन में बिल्कुल भी नहीं बता रहा, तो मैन लोकेशन लेंगे। क्वांटिटी, कितने पीस आपको ट्रांसफर करना है, जैसे 5 ले लेते हैं एंड, तो एक का रेट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, क्यों, क्योंकि माल अपना ही है, ट्रांसफर करने में कोई भी अमाउंट चेंज नहीं होता। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो वो आपसे दूसरी एंट्री के लिए बोलेगा, तो आप दूसरी भी कर लेंगे, आप नहीं करना तो एंटर करेंगे, फिर इस साइड आ जाएंगे आप। यहाँ पे आप नेम ऑफ आइटम लिखेंगे एंटर। अब यहाँ पे गोडाउन में वो सेलेक्ट करना है जिस गोडाउन में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो किस में करना है, गोडाउन वन में, कितने पीसेस, 5 पीसेस, ये आपकी एंट्री हो जाती है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी आपने गोडाउन पहले ही एक्टिवेट कर ली और अब आप बाद में माल परचेज कर रहे हैं, तो पहले आपसे नाम पूछता कि आपको कहाँ पे रखना है, तो बाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस किया, खरीदते हैं हम अपने यहाँ पे नगद ही कर देते हैं। अरे बैंक आ गया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अल्टर सी से स्टॉक क्रिएट कर लेंगे, सीपीयू ले लेते हैं, सीपीयू ले लेते हैं। ठीक है, ये अंडर में सीपीयू में ही कर देंगे अपन,
अब यहाँ पर देखिए, पहले वो अगर आप जब भी गो डाउन एक्टिवेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो आपसे यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह पूछता है, यहाँ पर एक्टिवेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। लेकिन जब आप गो डाउन एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो क्या होता है, आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा सीपीयू, एंड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी रहेगी। जैसे कि आप मेन लोकेशन लेंगे तो देखिए दोनों में 00 बता रहा है, एंटर कर देंगे। क्वांटिटी 5, एक का रेट 7000, एंड एंटर करेंगे। अगर आपको ये और भी रखने हैं, गोडाउन में भी रखना है, तो गोडाउन ले लेंगे, एंड कितने पीसेस, 5 पीस अपन गोडाउन में ले लेते, तो टोटल आपके 10 पीस दे देगा वो, 5 आपके मेन लोकेशन पे और 5 गोडाउन बन, ठीक है, एंटर करके उसको सेव कर देंगे, आ जाएगा। और कोई पूछना है? नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना, हम पूछे, अब रहने देखते हैं। क्लोज कर दें तो